उत्तर प्रदेश के आगरा में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम परियोजनाओं का निरीक्षण कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कई सरकारी परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के अंत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के विकास भवन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आगरा में जनता को लाभ पहुँचाने के लिए सभी योजनाओं पर बेहतर काम किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जहां कहीं कमी पाई गई उसे तुरंत पूरा करने के आदेश भी दिए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ललितपुर घटना को लेकर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अखिलेश यादव चुनाव की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह है कि उनकी बेतुकी बयानबाजी सामने आ रही है। मेट्रो की जो परियोजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है उसको समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का भी जो आवश्यक आदेश निर्देश है वह भी दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर क्षेत्र में बहुत अच्छे स्थिति में हैं और आगे और अच्छी स्थिति में रहेंगे। किसी मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदलने की कोई प्रस्ताव आया है? बदलना होगा तो आपको बताया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं, जहाँ कुछ बदलने का होगा तो उसका आदेश जब आएगा तो आपको काफ़ी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको आपने उसको स्वीकृति दी है बदलने की? स्वीकृति देने के लिए जब कागज में आती तब होता है, लोगों की अपेक्षा है उस पर विचार करेंगे। सर, चूँकि सर आप ग्राम विकास मंत्री हैं, ग्राम न्यायालय कानून 2008 से अस्तित्व में, लेकिन ग्राम न्यायालय पूरे यूपी में केवल 4 ऐसे में सस्ता सुलभ न्याय स्थानीय स्तर पर मिले, इस चीज को लेकर सरकार क्या कर रही है? निश्चित तौर से इसकी समीक्षा हो रही है और जो भी आगे जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हम लोग पंचायतों का सशक्तिकरण चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ग्राम स्तर पर हल हो सकती हैं। गाँव के लोग आपस में पहले चौपाल करके पंचायत करके ही वहीं पंच लोग निर्णय सुना देते थे, पूरा गांव उसको मानता था। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़े। जी सर, उन्होंने कहा है कि अराजकता का केंद्र बने हुए सीसे, और योगी जी का बुलडोजर चलाएंगे। सीसे के घर में रहने वाले श्री अखिलेश यादव जी 2022 की पराजय से बौखलाए हुए, वह सत्ता के प्राप्त करने का एक जैसे ऐसा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे, उनका सपना जनता ने चकनाचूर कर दिया। गुंडों अपराधियों और माफियाओं के संरक्षक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी अपराध करेगा वो बच नहीं पाएगा। वो पुलिस का कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसके खिलाफ भी उसी शक्ति से कार्रवाई हो रही है जैसे सामान्य अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है। जो घटनाओं पर श्री अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं उन घटनाओं का सच वह जानते हैं, लेकिन वह घटिया राजनीति करने का रास्ता अपना रहे हैं जिससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।